हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, बेसिन की संधि। अगला प्रश्न, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी बनाया गया था या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, अमृतसर। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर और उनके धार्मिक राजधानी अमृतसर। अगला प्रश्न, पानीपत में मराठे पराजित हुए थे क्योंकि? तो इसका सही जवाब है मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब होगा बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, बहादुर शाह था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न, सिख सेना कहलाती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खालसा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, बक्सर की लड़ाई 1764। अगला प्रश्न, भारत ने अंग्रेजों में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब होगा सूरत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, गोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार का केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने गोवा पर 200 साल राज किया और वहीं से लास्ट में वो निकले थे। अगला प्रश्न, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस्को डी। अगला प्रश्न, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉन्डिचेरी। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूरत। अगला प्रश्न, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोचीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क।
अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोवा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड का किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुर्तगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों संबंधित व्यक्तियों के गला जोड़े बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुलिकट। अगला प्रश्न, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कालीकट वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आज थोड़ी सी मिसप्रिंट है हमारा आज ये पेपर, चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, पुर्तगाल। अगला प्रश्न, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डुप्ले। अगला प्रश्न, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बंगाल। अगला प्रश्न, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मसाले। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कालीकट। थैंक यू।